बेटियां सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात को इस मामले में सुधार करना चाहिए था, उनको इस ध्यान देना चाहिए। ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम ही कर, पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। सारे आम सारे आम दारू बिक रही है, सारे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू, दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। पुलिस का काम ही है पिकअप से पैसे ले लो, मोटरसाइकिल वालों से पैसे ले लो, मुकदमे के FIR दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे, और इनका पेट ही नहीं भरा, कीड़े पड़ेंगे। देखिए महिलाएं हमारे रपरदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर वन है। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही, और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है इसके अंदर, ये स्थिति है। क्या होगा विधानसभा के अंदर? राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1-to-1 जवाब मांगूंगा यदि हाँ विधानसभा में आएंगे तो, और परसों विधानसभा में जाके जिस तरीके से बोलूंगा सबको, क्या कर रहे हो तुम? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता, महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा? ये किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये अराजकता है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे? हम उनके पास किसी काबिल आदमी को देते, वो आदमी साइड में काम करता, हो सकता ये इस तरह का नहीं होता। कभी भी एक दिन भी सरकार की बड़ाई नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। राजेंद्र गुड्डा का महिला अत्याचारों को लेकर परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा, पूछूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पांव के बैठे हैं, एक छोटी पांव की पट्टी बांध के बैठे मुख्यमंत्री जी, अच्छा जेल में जाने की है कि वहां वो डालते चाहता हूँ डाले जेल में, पब्लिक तो साथ रहेगी, पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी तो फितरत है। मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा।